वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल इग्नू वाला पर। जैसा कि आकाश सर की आपने क्लास ली ही होंगी, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने बीपीएसी जो आपका सब्जेक्ट कोड है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, उसके ऑनर्स वालों के क्या किए थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर डिस्कशन सेशंस ऑर्गेनाइज किए थे। तो आपको इतना तो पता ही होगा उन्होंने किया क्या था, बीपीएसी के जो दिसंबर 2022 के क्वेश्चन पेपर है वो डिस्कस वो कर रहे थे। उन्होंने क्या किया था, उन्होंने 101 से लेकर 105 तक के सब्जेक्ट कोड एक क्लास में क्या किए थे, डिस्कस किए थे, है ना दोस्तों। तो बीपीएससी दिसंबर 2022 के 101 से 105 तक के क्वेश्चन पेपर हम डिस्कस कर चुके हैं। आप जाके क्या कर सकते हैं, प्लेलिस्ट सेक्शन में ये चीज चेक कर सकते हैं। अब मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ वो करूंगा बीपीएससी 106 का क्वेश्चन पेपर मैं क्या करूंगा दोस्तों, डिस्कस करूंगा लोक नीति का ज्ञान। क्या है दोस्तों लोक नीति का ज्ञान, 106 के साथ 107, 108, 109 और 110 ये पांच क्वेश्चन पेपर इसी क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। देखिए दोस्तों, 3 घंटे का आपका पेपर होने वाला है, 100 नंबर का आपका पेपर है, कोड आपने मैच कर ही लिया होगा। देखिए डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ये तो एक जनरल सी बात है, जितने भी क्वेश्चन पेपर है उनमें आपको 5 ही प्रश्न अटेम्प्ट करने हैं। लगभग आपको हर प्रश्न का उत्तर 500 शब्दों में यहाँ पर देना है, मिनिमम 400 तो करने ही करने। सर्वाधिकारी राज्य में लोक नीति का स्वरूप, कौन से राज्य में दोस्तों, सर्वाधिकारी का मतलब ये होता है दोस्तों जिसमें बहुत ज्यादा अधिकारी हो, सर्वाधिकारी राज्य में किसका महत्व बताना है आपको, लोक नीति का स्वरूप आपको बताना है। 20 नंबर में एक क्वेश्चन आपका हो जाता है। राज्य और नीति के अभिजात वर्ग, जनसाधारण सिद्धांत। देखिए दोस्तों, राज्य और नीति का जो क्या है, जनसाधारण सिद्धांत है, अभिजात वर्ग जनसाधारण सिद्धांत। अब आपको पता है अभिजात वर्ग तो हो गया आपका धनी वर्ग, और जनसाधारण सिद्धांत क्या होता है, जो आम लोग होते हैं, तो कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, ये इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3, जोफ्री विकर्स के नीति निर्माण विश्लेषण पर क्या करना है दोस्तों, टिप्पणी करना है। नीति निर्माण विश्लेषण किस राजनीतिक विद्वानी का, किस लोक नीति विद्वानी का, जोफ्री विकर्स का। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बार बार आता है, क्योंकि नीति निर्माण के जो सिद्धांत है वही इसकी मूल संवेदना भी है सब्जेक्ट की। तो ये क्वेश्चन अगर आप कहें सर मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दो, तो ये वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार आपको देखने के लिए मिलेगा। क्लियर, इतनी बात अगर आपको क्लियर हुई हो तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप देख रहे हो तो ये है आपका क्या, निम्नलिखित पर टिप्पणी करनी है, कितने शब्दों में, 250 शब्दों में टिप्पणी करनी है। पहला है लोक नीति पर विचारधारा के प्रभाव का मूल्यांकन। भाई सीधी सी बात है, विचारधारा का प्रभाव तो पड़ता ही है, किस पर, हमारी लोक नीति पर, पब्लिक पॉलिसी पर। अगर विचारधारा पूंजीवादी हो तो अलग होगी, समाजवादी हो तो लोक नीति अलग होगी। हित समूह से संबंधित सिद्धांत, हित समूह कौन होते हैं, जो जनता के भलाई के लिए काम करते हैं, तो इनसे संबंधित जितने भी सिद्धांत है वो आपसे पूछे गए हैं यहाँ पर इस क्वेश्चन में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की, नीति प्रक्रिया में नागरिक समाज की भूमिका आपको बतानी है, पॉलिसी मेकिंग में जो हमारा क्या है दोस्तों, नागरिक समाज है, इसकी क्या भूमिका होती है आपकी नीति प्रक्रिया में, नीति निर्माण में, नागरिक समाज की भूमिका का क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पे लगा लेंगे आप स्टार। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का उद्देश्य है सामाजिक आर्थिक जो अवसर की समानता पर आधारित है, यानी कि हमारे संविधान का उद्देश्य हमेशा से न्याय रहा है, और न्याय के साथ साथ लोगों को देना है क्या, अवसर की समानता, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर। इस कथन की भारत में सामाजिक नीति के संदर्भ में चर्चा करनी है, क्या भारत में ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। आप देखिए, एक आम जाति का व्यक्ति आईएएस ऑफिसर तक बन सकता है, जो भारत की सबसे उच्च नौकरी या उच्च सरकारी पद माना जाता है, तो ये कथन बिल्कुल क्या है आपका, सही है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें, नीति विश्लेषण में सम्मिलित मुद्दे आपको बताने, जब भी हम कोई भी पॉलिसी का एनालिसिस कर रहे होते हैं तो किन मुद्दों को ध्यान में रखते हैं, कुछ मुद्दे तो आपको ऊपर दिखा दिए होंगे, सामाजिक आर्थिक न्याय, अवसर की समानता, यही नीति विश्लेषण के मुद्दे माने गए हैं। निम्नलिखित में लगभग 250 शब्दों में आपको क्या करनी है, टिप्पणियां करनी है। समय प्रदर्शन की निगरानी, क्या दोस्तों, समय प्रदर्शन की निगरानी, लोक नीति का प्रणाली मॉडल, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, लोक नीति का प्रणाली मॉडल। ऐसा क्वेश्चन चाहे एग्जाम में एक बार के लिए ना आए, लेकिन लोक नीति का जो आपका मॉडल है ये आपका जरूर देखने के लिए आपको मिलेगा। तो यहाँ पर आपका कोड 106 खत्म हो जाता है। अब हम आते हैं बीपीएससी के कोड 107 पर दोस्तों। तो आपके सामने खुल गया बीपीएससी 107 सब्जेक्ट कोड, और इसकी अगर हम बात करें बीपीएससी 107 की, तो वही दिसंबर 2022 का पेपर है, कोड आपने मैच कर ही लिया होगा, बीपीएससी 107। तुलनात्मक लोक प्रशासन, तुलनात्मक लोक प्रशासन का मतलब
जब अलग अलग पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लोक प्रशासन का क्या किया जाता है, कंपैरिजन किया जाता है, तो तब एक सब्जेक्ट उभर के आपका सामने आया है तुलनात्मक लोक प्रशासन, इसके बारे में जानते हैं। बाकी पैटर्न सेम है, बार बार डिस्कशन का कोई फायदा नहीं है। तुलनात्मक लोक प्रशासन के बारे में देखिए, यहाँ पर तीन मुद्दे पूछे गए, चार मुद्दे, पांच नंबर में अर्थ बताओ, पांच नंबर में प्रकृति बताओ, पांच नंबर में क्षेत्र और पांच नंबर में ही महत्व आपसे पूछा गया है। किसका? तुलनात्मक लोक प्रशासन का। पहले चैप्टर का पहला ही क्वेश्चन आपसे पूछ लिया गया है। संरचनात्मक और कार्यात्मक अभिगम, अभिगम पर क्या करनी है आपको, चर्चा करनी है। जो आपकी संरचनात्मक और कार्यात्मक अप्रोच होती है उस पर क्या करनी है आपको, चर्चा करनी, ये क्वेश्चन आपका हो जाता है। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है, अमेरिका और इंग्लैंड की राजनीतिक तथा प्रशासनिक प्रणालियों की विशेषताओं को तुलनात्मक अध्ययन करना। मैंने कहा था ना कि यहाँ पर अब लोक प्रशासन के बीच में क्या किया जाएगा दोस्तों, कंपैरिजन किया जाएगा कि अमेरिका में कैसी है, भारत में कैसी है, इंग्लैंड में कैसी है, कहाँ बेहतर है कहाँ बेहतर नहीं है, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो आपसे पूछा गया अमेरिका जो कि एक विकसित देश है और साथ में आपके लगा दिया है इंग्लैंड, इसकी राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों के बीच में क्या करनी है, इनकी विशेषताओं के बीच में तुलना आपको करके यहाँ पर दिखानी है, क्या करनी है, तुलना करनी है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका ये बनता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्लियर दोस्तों, ये हो गया आपका सब्जेक्ट कोड, कौन सा आपको पता ही, ये सब्जेक्ट कोड है आपका 107। भारत की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणालियों की विशेषताएं बताइए, किसकी, राजनीतिक प्रणाली और प्रशासनिक प्रणालियों की विशेषता बताइए, ये क्वेश्चन भी आपका हो जाता है। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है, बसरते यहाँ पे तुलना ना करा के डायरेक्ट भारत की पूछ ली, वरना वो चाहता तो यही भी इस क्वेश्चन में भारत को क्या कर सकता था दोस्तों, ऐड कर सकता था भारत को, अगर वो चाहता, एग्जामिनर अगर चाहता तो हो सकता था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पांच की, रिक्स द्वारा प्रतिपादित प्रेजेंटिक समाज के लक्षणों की आपको बताना है, प्रिज्मेटिक समाज जो है आपका, जो उसने प्रिज्म के तौर पर बताया है किसने, रिक्स ने, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखे जाते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन के अध्ययन पर नव लोक प्रबंधन, नव लोक सेवा, तुलनात्मक लोक नीति का प्रभाव, यानी आपको तुलनात्मक लोक प्रशासन पर क्या करना है, तीन के प्रभाव बताने हैं। एक तो बताना है नव लोक प्रबंधन का प्रभाव, नव लोक सेवा का प्रभाव और तुलनात्मक लोक नीति का प्रभाव आपको यहाँ पर क्या कर देना है, बता देना है। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन जाता है। ब्राजील और दक्षिण अमेरिका में, सॉरी दक्षिण अफ्रीका है दोस्तों, ये दक्षिण अफ्रीका की राजनीतिक और प्रशासनिक प्रणाली की चर्चा, ये क्वेश्चन बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। अभी आपसे अमेरिका और इंग्लैंड का कंपैरिजन कराया गया था, अब आपसे कंपैरिजन कराया जा रहा है ब्राजील और दक्षिण अमेरिका का, इतनी बात आपको यहाँ पर याद रखनी है, बहुत बढ़िया। लास्ट क्वेश्चन है आपका पारिस्थितिकी अभिगम, देखिए फिर एक अभिगम का क्वेश्चन आ गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप डबल स्टार इस पे लगा सकते हैं। इसके क्या क्या बताने हैं आपको, लक्षण पांच नंबर, लाभ और सीमाएं आपको बताना है पांच नंबर, साथ साथ आपको बताना है रिक्स द्वारा, देखिए रिक्स का नाम बार बार आ रहा है, इनके द्वारा दिए गए अगेरिया और क्या इंडस्ट्रिया समाजों की विशेषताओं को बताइए। इन्होंने ना रिक्स ने, मैं आपको खास बात बताता हूँ क्वेश्चन की, रिक्स ने समाज के कई रूप आपको दिए हैं, जैसे प्रिज्मेटिक है आपका, क्या है इंडस्ट्रिया है आपका, एग्रिया है, तो इन सभी समाज के रूप जो उन्होंने बताए हैं दोस्तों, उन रूपों की चर्चा आप जरूर करें, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनता है, ये प्रश्न आपका जरूर छपेगा एग्जाम में, रिक्स का एक ना एक प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो यहाँ पर आपका खत्म हो जाता है सब्जेक्ट कोड 107। अब हम आ जाते हैं दोस्तों सब्जेक्ट कोड 108 पर। इसका फायदा आपको ये मिलेगा, आपको सारे सब्जेक्ट कोड एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको बार बार क्या नहीं करने पड़ेंगे, वो सब्जेक्ट कोड नहीं देखने पड़ेंगे। अब सब्जेक्ट कोड हमारे सामने खुला हुआ है 108 दोस्तों, देखिए 108 की क्या खास बात है, 108 जो है थोड़ा सिंपल सब्जेक्ट कोड है, क्योंकि इसमें बात की गई है भारत में लोक नीति और भारत में प्रशासन, इसलिए इसके क्वेश्चन ज्यादातर आपको आसान देखने के लिए मिलेंगे। 3 घंटे का आपका पेपर है, 100 नंबर का आपका पेपर है, इसके बाद आपके 2 सब्जेक्ट कोड और बच जाएंगे। 108 वाले देखिए पहला क्वेश्चन, नीति निर्माण की प्रक्रिया में जब भी हम कोई कानून बना रहे होते हैं तो इसमें संस्थाओं की और गैर संस्थाओं की जो कि गैर सरकारी होती है इनका प्रभाव, यानी देखिए एक तो गवर्नमेंट संस्थाएं आपकी होती हैं, एक होती है आपकी एनजीओ, ये दोनों ही प्रभावित करती है एक देश में नीति निर्माण को, कैसे प्रभावित करती है ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है, इंपॉर्टेंट की लिस्ट में हम इसे रखेंगे। 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1972 आपको पता है, 74वां संविधान संशोधन शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, किससे दोस्तों, शहरी स्थानीय शासन से संबंधित है, और संविधान की अनुसूची 12वीं अनुसूची में इसका जिक्र किया गया है। इसने क्या किया है, इसने सेवा वितरण और विकास में प्रभावी प्रदर्शन के लिए नगर पालिकाएं बनाने की बात की है, क्या आप इसके तर्क दे सकते हैं, तो पूरा संविधान संशोधन आपको बताना है। इसके साथ एक 73वां भी हुआ था, 1992 में ही हुआ था, और ये लागू कब हुए थे दोस्तों, 1993
3 में क्या हुए थे, लागू हुए थे, ये बात आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट में डालो। क्लियर, बहुत अच्छे क्वेश्चन हो जाते हैं आपके दो। क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 3 पे, बजट का महत्व आपको बताना है। किसी भी सरकार का, राज्य का बजट बनता है, उसका क्या महत्व होता है, और याद रखिए बजट की प्रक्रिया में, बजट की प्रक्रिया में संस्थाओं का क्या काम होता है, आपको पता ही है, बिना संस्थाओं के तो बजट बन ही नहीं सकता। नीति कितने प्रकार की होती है, इस पर आपको 250 शब्द में क्या करनी है दोस्तों, टिप्पणी करके दिखानी है, 250 शब्द में करनी है टिप्पणी। और संस्थागत मॉडल, लोक और नीति, लोक नीति और संस्थागत मॉडल के बीच में क्या संबंध है, ये आपको बताना है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका संस्थागत मॉडल वाला, बाकी सब क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछे ही गए हैं। ई गवर्नेंस आज के समय का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस पर आप लगाइए ट्रिपल स्टार। कारण क्या है, ई गवर्नेंस का क्वेश्चन आपका छपेगा इस बार, देखना आप। ई गवर्नेंस आपको पता है, अब गवर्नेंस भी जो है, सरकार भी किस पे आ गई है, पूरी तरीके से ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आ गई है। अब अगर आपको लाइसेंस बनवाना है तो उसका भी आधे ज्यादा काम ऑनलाइन ही हो जाता है। तो आपको पता है ई गवर्नेंस जो है ये क्या कर रही है, इसके क्या कार्य है, ये आपको यहाँ पर बताने। शॉर्ट में मैंने इतना बड़ा क्वेश्चन आपको समझा दिया, ई गवर्नेंस आखिरकार है क्या। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 क्या है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है। अभी आपको पता है हमारी नेशनल जो पॉलिसी है उसके तहत 5+3+3+4 का स्ट्रक्चर अपनाया गया है ना, शिक्षा में, कि पहले 5 साल की शिक्षा, फिर 3 साल तक 8वीं तक शिक्षा, फिर 11वीं 12वीं, और इस तरीके से पूरी 12 तक का यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, लेखा जोखा किया गया है। भाई यहाँ पे क्या है, 3 साल की आंगनवाड़ी है प्लस 2 साल की पहली दूसरी क्लास है, यहाँ पर क्या है 5वीं तक बच्चा कवर कर लेगा, यहाँ पे 8वीं तक कवर कर लेगा, और यहाँ से 12वीं तक कवर कर लेगा। तो इसे आप 5+3+3+4 मॉडल कहते हैं। पर्यावरण नीति के प्रमुख चुनौतियां आपको पता है, पर्यावरण नीति की प्रमुख चुनौतियों में सबसे बड़ी चुनौती तो है दोस्तों प्रदूषण। अब आप देखिए दिल्ली की यमुना नदी पूरी तरीके से नाला बन चुकी है, इतने बड़े बड़े झाग के पहाड़ उसमें आते हैं कि किसी की कपड़े धोने की मशीन में ना आते हो, यही है हमारे आज के समय में यमुना नदी। लास्ट क्वेश्चन की अगर बात करें, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से प्रत्येक पर 250 शब्दों में आपको टिप्पणी करनी है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का उद्देश्य क्या था, ज्यादा से ज्यादा लोगों का बीमा करना। और मनरेगा कार्यक्रम आपको पता है, महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी अधिनियम, इसके तहत ग्रामीण लोगों को लगभग 100 दिनों का मिनिमम रोजगार देने की बात की गई थी। ठीक है दोस्तों, इतनी बात आपको याद रहेगी मनरेगा कार्यक्रम के बारे में। तो यहाँ तक हमने कवर कर लिया आपके सब्जेक्ट कोड कितने, बीपीएससी 108 तक। अब हम बात करेंगे बीपीएससी 109 दिसंबर 2022 का पेपर। बहुत अच्छे दोस्तों, अब देखिए बीपीएससी 109 सब्जेक्ट कोड आपके सामने खुल गया है। अगर आपको यही क्लास इंग्लिश मीडियम में चाहिए तो आप हमें बता सकते हैं। सब्जेक्ट का नाम क्या है, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन। क्या नाम है दोस्तों, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन, और यह है बीपीएससी 109। सार्वजनिक प्रणाली क्या होती है, देखिए सरकार बहुत से काम करती है जो जनता की भलाई के लिए होते हैं, जो सरकारी होते हैं, जैसे सरकारी स्कूल चलाना, डिस्पेंसरी हॉस्पिटल चलाना, राशन बांटना भी एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है, आंगनवाड़ी भी एक सार्वजनिक वितरण प्रणाली ही है ना दोस्तों, जिसे हम पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम कहते हैं पीडीएस। तो उसका प्रबंधन किस प्रकार किया जाता है, वहां से सब्जेक्ट कोड आपके सामने आया है। उन सैद्धांतिक आधारों का परीक्षण कीजिए जिनके कारण सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का उद्भव हुआ, यानी आपको ऐसे कारण बताने हैं जिनसे सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन सामने आया, जिससे इसका क्या हुआ है, जन्म हुआ है। ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, भले क्वेश्चन आपको समझना है लेकिन इस दृष्टिकोण से पढ़े कि कारण बताने हैं किस चीज के, सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन का विकास क्यों हुआ। भारत के सामाजिक आर्थिक कारक सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन की संरचना और संचालन को प्रभावित करते हैं। भाई आपको पता है भारत में कुछ सामाजिक आर्थिक स्थिति ऐसी है जो करती क्या है, इस मैनेजमेंट को बार बार क्या करती है, बर्बाद कर देती है। आप ही देखिए राशन की दुकान पर कितनी गंदी भीड़ है, जो बीपीएल कार्ड वाले लोग होते हैं वास्तव में उनके पास बीपीएल कार्ड है ही नहीं, और जो अमीर लोग हैं जिनके घर में सरकारी नौकरियां भी है वो भी क्या ले रहे हैं, राशन ले रहे हैं। तो ये सामाजिक आर्थिक कारक करते क्या है, सार्वजनिक प्रणाली में बहुत ज्यादा प्रभाव डालते हैं। क्या करते हैं दोस्तों, प्रभावित करते हैं। कैसे प्रभावित करते हैं ये आपको बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर, तो ये हो गए आपके यहाँ पर कितने क्वेश्चन, ये हो जाते हैं आपके दो क्वेश्चन। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 और 4 की। शासन के महत्वपूर्ण प्रकार कौन से हैं, सिंपल टाइप का क्वेश्चन, स्टार लगा सकते हैं आप इस पे। राजनीतिक कार्यपालिका की भूमिका आपको बतानी है, नेटवर्क की अवधारणा और नेटवर्क के तत्व भी आपको यहाँ पर क्या कर देने हैं, बता देने हैं। इसमें से राजनीतिक कार्यपालिका का क्वेश्चन इंपोर्टेंट आपका हो जाता है। इन दोनों पर आपको टिप्पणी करनी है 250 शब्दों में। निर्णय निर्माण तकनीक को पर टिप्पणी की जाए, डिसीजन मेकिंग जो आपकी टेक्नोलॉजीज होती है वो क्या होती है, ये क्वेश्चन। संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन क्या होता है, इसकी संकल्पना, इसके कौन कौन से सिद्धांत है, 10 नंबर में संकल्पना बतानी है, 10 नंबर में आपको बताने हैं इसके
सिद्धांत। एक क्वेश्चन आपका ये छपेगा पेपर में, लोक या सार्वजनिक प्रणाली प्रबंधन में महत्वपूर्ण जवाबदेही तंत्र, यानी कौन से ऐसे तंत्र हैं जो इस प्रणाली में क्या करते हैं, उत्तरदायी होते हैं, क्या होते हैं दोस्तों, जिम्मेदार होते हैं, ऐसे तंत्रों की आपको क्या करनी है यहाँ पर व्याख्या कर देनी है। ये आपका बन जाता है एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर दोस्तों, इतनी बात आपको याद रहेगी। अब हम बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आ जाते हैं। इसके बाद हमारा एक क्वेश्चन पेपर और रह जाएगा, डिजिटल शासन, वही ई गवर्नेंस वाला क्वेश्चन घूम फिर के फिर आ गया दोस्तों। ई गवर्नेंस की बात हम यहाँ पर कर रहे थे, वही रिपीटेड क्वेश्चन है, सार्वजनिक प्रणालियों में प्रबंधन परिवर्तन, और आपको पता है कैसे प्रबंधन किया जाना चाहिए। तो ये हो गए आपके कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन। अब इसके बाद एक क्वेश्चन पेपर आपका और रह जाता है, उस पर हम चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इतनी बात आपको याद रहेगी। अब लास्ट क्वेश्चन पेपर और हम करेंगे, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। देखिए लास्ट क्वेश्चन पेपर है आपका पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, ऑनर्स जो लोग कर रहे हैं, बीपीएससी 110 दिसंबर 2022 का आपके सामने पेपर खुल गया है। देखिए पेपर का नाम क्या, शहरी स्थानीय शासन। सबसे आसान पेपर और कोर्स मैं इसको मानता हूँ, क्योंकि शहरी स्थानीय शासन की बात करें तो आपको याद आएगा 74वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 लागू हुआ 1993 में, और नगरीय कार्यपालिका की यहाँ पर बात होती है। 3 घंटे का पेपर है, 100 नंबर का पेपर है, 5 प्रश्न आपको अटेम्प्ट करने हैं, 400 शब्दों में आपको मिनिमम ये लिखना है, और ऑनर्स पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का ही सब्जेक्ट कोड है। पहला प्रश्न आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पर ये रहा, आर्थिक विकास में शहरीकरण की भूमिका। आपको पता है शहरीकरण होता है, किसी भी शब्द के पीछे अगर करण लग जाए तो उसका मतलब होता है बढ़ावा देना, तो शहरों को बढ़ावा देना शहरीकरण है, और इसके आर्थिक विकास में इसकी बहुत बड़ी भूमिका होती है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। शहरी गरीबी उन्मूलन योजनाओं के बारे में आपको बताना है कि शहरों में गरीबी कैसे मिटेगी, आप इसमें रोजगार कार्यक्रम भी बता सकते हैं क्योंकि रोजगारी गरीबी को मिटाते हैं। संवैधानिक 74वें संविधान संशोधन के बारे में आपको क्या करना है बताना है, ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में छपेगा। क्वेश्चन नंबर 3, राज्य चुनाव आयोग, आपको पता है इसका काम क्या होता है, शहरी स्थानीय निकायों के अंदर चुनाव कराना, तो ये एक इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। शहरी स्थानीय निकायों की निधियों का स्रोत आपको बताना है कि इनके पास पैसा कहाँ से आता है, धन का स्रोत आपको बताना है, पैसे के क्या बताने हैं आपको, स्रोत बताने कि पैसा आखिरकार आता कहाँ से है शहरी स्थानीय निकायों में, यानी नगर पालिका जो है आपकी, कहीं कहीं पर आपको नगर निगम भी देखने के लिए मिलेंगे, या दिल्ली जैसे बड़े नगरों में आपको मिलेंगे नगर निगम देखने के लिए, तो इनके पास पैसा कहाँ से आता, हाउस टैक्स वगैरह ये कलेक्ट करते हैं, ये बात आप पढ़ेंगे पूरे जब इस 74वें संविधान संशोधन को पढ़ लेंगे। 5वां क्वेश्चन, भारत में शहरी स्थानीय निकायों के कुछ संसाधन जुटाव के तरीकों और वित्तीय नवाचारों का विश्लेषण कीजिए, यानी जो शहरी स्थानीय निकाय हैं ये संसाधनों को कैसे जुटाते हैं ये बताना है आपको, और वित्तीय नवाचार बताने कैसे पैसे के लिए नए नए नवाचार इनोवेशंस करते हैं। शहरी स्थानीय सरकार के मुद्दे क्या है, चुनौतियाँ क्या है, सबसे बड़ी शहरी स्थानीय संस्थाओं की सबसे बड़ी चुनौती है दोस्तों सफाई, ये नहीं हो पा रही है इनपे, ये हो ही नहीं पाएगी इनसे सारी जिंदगी। देखिए शहरी स्थानीय निकाय द्वारा सेवा वितरण में ई शासन पद्धति से संबंधित, देखिए दोस्तों फिर आ गया आपका ई गवर्नेंस का क्वेश्चन, भाई छपेगा ये प्रश्न, हर पेपर में देखने के लिए मिल रहा है, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ो, ई गवर्नेंस आज के समय का आधुनिक मुद्दा है। 7वां क्वेश्चन इंपोर्टेंट हो गया, शहरी स्थानीय निकायों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं। अब आप ही बताइए, ये जो अभी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक खुले थे, जो दिल्ली के लोगों ने पता होगा ये क्या है, ये मोहल्ला क्लिनिक जो खोले गए हैं ये शहरी स्थानीय सेवाएं तो है। शहरी शासन की अवधारणा आपको बतानी है, क्या होता है आपका शहरी शासन, जिसे हम शहरी स्थानीय शासन के नाम से जानते हैं, ये आपका क्या होता है ये आपको यहाँ पर बता देना है। क्लियर दोस्तों, तो उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा, लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें हमें अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इग्नू के, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए हमारा, जहाँ पर आपको मिलेंगे फ्री लेसन्स, फ्री कॉन्सेप्ट क्लासेस और फ्री स्टडी मटेरियल। तो चलिए आज के लिए केवल इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार।